अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो अभी सुबह के जो है 10:45 हो रहे हैं और आज मैं जल्दी उठ गई क्योंकि मैं रात को जल्दी सो गई थी। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर दिल माने तो, अगर दिल नहीं माने तो इट्स ओके, और अगर दिल मान जाए तो। यहाँ पे अम्मी जान जो है चावल के साथ चाय पी रही है। वाओ अम्मी, अम्मी व्हाई यू आर सो मच इंटेलिजेंट, बोलो जवाब दो मोटो। अम्मी को कहती हूँ अम्मी तुम देख जाओ और मैं तुम्हारा चावल बना के खाऊंगी। सो फाइनली शाहरुख अजमल साहब उठ गए। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। सेकंड अम्मी को बता कर, अम्मी मुबारक हो, मुबारक हो। क्या शाहरुख अजमल उठ गया? पागल हो गई है। गांव वालों शाहरुख अजमल उठ गया। गांव वाले कहां गए, किधर गए? हाँ चिड़िया ने सुन लिया, उठ गया शाहरुख अजमल। चलो किसी ने सुना, ए आंटी रेड कपड़े वाली, शाहरुख अजमल उठ गया, ये बताना चाह रही थी। थैंक यू सो मच। लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, शाहरुख अजमल। सारे गांव को बता कर आई हूँ कि तुम उठ गए हो, तुम सो गए वापस। उठो शाहरुख, जाओ यार अट्टा लेकर आओ। अट्टा मतलब मेरी सराय आ गई थी, आटा लेकर आओ। उठ जाओ फिर शाहरुख, कितनी गर्थर गर्थर है, क्या कर रहे हो? यू आई हेट दीज काइंड ऑफ पीपल्स। मॉमी आप फंस क्यों रही हो? क्या कैमरा बंद करते क्या हुआ है? अमित ताली मारो जो मैंने काम किया था। अमित मैं नहीं हटा दिया भात, कसम से नहीं रहूंगी। ना अभी फर्स्ट टाइम लाइव आई भी है और ये देखिए इसको मैसेज। फाइनली शाहरुख अजमल जो है, आज शाहरुख अजमल ने काम किया है और शाहरुख अजमल आटा लेकर आया है और घी लेकर आया है और जूस का डब्बा लेकर आया है जिसने खुद पी लिया। तो मैं नहा लिया और बिल्कुल फ्रेश हो गई, अभी जाने लगे मैं काम पर। तनवीर भाई आ गए हैं मुझे लेने के लिए। तनवीर भाई जब तक हम चलेंगे आप सो जाओ, ये लो कंबल, चलो ये डाल के आंखों पे डालो, मुंह पे डालो और सो जाओ। अम्मी काम पर, अम्मी जाने पे बना रही खाना, बना रही हूँ। आज मैं हॉट डॉग ले आऊंगी, मुझे हॉट डॉग इतने पसंद है। अम्मी हम लोग जो गए थे ना रात को, क्या है मुझे नहीं पता, अम्मी वो ना बिल्कुल ऐसे लंबा लंबा था, उन्होंने 450 के दिए और सिर्फ एक था, हाँ, और 450 के बहुत ज्यादा मिलते हैं। शाही कबाब ले आओ, नाश्ते में। ये देखें गाइस, अम्मी की लाइव चल रही है और मैं ये देख रही हूँ। तो ये मेरा सुबह का नाश्ता है, अम्मी मेरे लिए पानी भर के ला रही है। थैंक यू सो मच अम्मी। अम्मी आप मेरे जानो काम पर जा रही है इसलिए पानी का डिब्बा के दिया है। अल्लाह हाफ़िज़ मोहम्मद काफी। अब खाते हैं मज़ेदार सा खाना। तो मेरा खाना हो गया, अभी चलते हैं काम पर। तनवीर भाई चाय पी ली आपने? बस पीने पे चलते हैं, ठीक है? मैं भी जा रही हूँ अभी, ठीक है? और ये देखिए मैं क्या खाऊं, मैंने कितना सारा कपड़ा दिया। तनवीर भाई ने बताया है कि ये जो बिल्डिंग है 1996 में बनी थी, 1960 में बनी थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे काम पर, ये यहाँ से काफी दूर है लेकिन कोई मसला नहीं। और मेरे पास आ गई सुजी। सुजी बहुत क्यूट है, इसका फेस बिल्कुल गोल गोल है, नाराज है सुजी। सुजी हेलो सुजी, सुजी फुल एटीट्यूड में बात कर रही है। अल्लाह मतलब बीबी पाला शा बीबी। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ और मैंने एक लैश ये नहीं हुई है और ये हो गई है, तो ये मैंने मिड सेट किया है और देखें कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो जो है लैशेस लग चुकी हैं, देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो जो है मैं लैशेस लगा रही हूँ, देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। अब हम दूसरी करेंगे आंटी की। तो ये ब्राइड है, आपको कैसी लगी लैशेस? बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। लव यू नैना, थैंक यू सो मच। और जो है ब्राइड का फेस जो है मैं कल रिवील करूंगी, तो आप लोग लाजमी देखिएगा, कल आपको फुल ब्राइड दिखाएंगे, आपको हाथों में मेहंदी सब कुछ इंशाल्लाह। तो अभी हिबा को लग रही है मेहंदी, हिबा इतनी लगाएंगे? हाँ इतनी रखूंगी। आपकी स्लीव्स इतनी अच्छा, इसलिए जैसे दुल्हनों की होती है ना वैसे ही दुल्हन का ताजमहल बनाया जा रहा है यहाँ पे, और इधर भी ताजमहल। तो अभी अम्मी आई है यहाँ पे और मेरे सामान देने के लिए आई थी, अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के बहुत दूर से आई थी, चाय भी। अम्मी अभी आप क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? घर में कितना कुछ बोलती हो, बोलो। तो मैं इनके नेल्स लगा रही हूँ, लैशेज हो गए सबके, बस अब नेल्स लगाने हैं। अब नेल्स लगाने के बाद मैं आपको लास्ट लुक दिखाती हूँ। अभी मैं इनके फ्रेलिक्स कर रही हूँ और अभी मुझे यहाँ पे तकरीबन 5-5.5 घंटे हो गए,
ऐसा ही कुछ। 5.5 घंटे हो गए, तो खैर अभी यहीं पर ही हूँ मैं। ये हो जाए एक्रेलिक स्टिक और जो है इनके नेल्स लगा ली हूँ, क्योंकि इनकी एज बहुत कम है तो इनके एक्रेलिक्स नहीं लगा सकते। दैट्स इट, मुझे बस यही कहना था। अल्लाह हाफिज़। मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि शाहरुख है, मन का शाहरुख थोड़ी देर मिल लेती हूँ, फिर मैं जो अपना काम स्टार्ट करूँगी। देखिए रात हो गई, सुबह की आई हुई रात हो गई है, मैं मुसलसल काम कर रही हूँ। मुझे पैनिक अटैक आने वाला गाइस। हेलो शाहरुख, मुझको शाहरुख मिनट लगेंगे। क्यों? हाँ वो काम कर रही हूँ मैं नेल्स का। है नेल्स भी हमने कर लिए हैं, कैसे लगे आपको नेल्स? बहुत अच्छे लगे। पक्का? पक्का। मजेदार? अमेजिंग। ओके डन। मैं जो है शादी की तैयारियां चल रही हैं और अभी मैं जा रही हूँ घर वापस, और देखिए मेहंदी आंटी के हाथ में कितनी ज़्यादा माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही है। तो बस चलते हैं, अल्लाह हाफिज़ आंटी। शाहरुख इन्हें आ गया है और मैं शाहरुख बैठे भी घर जा रही हूँ, और रात के तकरीबन हो रहे हैं 10:30। बहुत ज़्यादा थकी, वो सुबह घर से 1:30 पर निकली हूँ और 10:30 घर जा रही हूँ। मतलब सुबह से आपकी बहन काम कर रही है। खैर कोई बात नहीं, काम मिला अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे काम करना बहुत पसंद है। और बस अभी घर चलते, घर चल के रेस्ट करेंगे, फिर अपने दोस्तों से फरियाद सबसे मिलूँ। हाँ देखें कितनी ज़्यादा सर्दी है, मुझे ना इतनी ठंड लग रही है। मैंने जो है कुछ भी नहीं पहना हुआ, बहुत सर्दी है। कोट पहना हुआ, मैंने पहना हुआ। खैर कोई बात नहीं, पीछे बैठे थे, ठंड लग रही है लेकिन लग रही है। बस जल्दी घर पहुँच जाऊँ, थका हुआ हूँ आज मैं बहुत ज़्यादा। अभी दिख गई घर आ गई है, देखो अम्मी क्या था मैंने। क्यों? अम्मा के लिए फेंटा की बोतल लेते ना, ठीक है? कैसी हो आप? ठीक हो? कहाँ जा रही हैं? घर। तुम लोग इंतजार किया पर आप लोग आए? अभी आई हूँ मैं, सुबह से गई जी 2:30 भी आई। घर पहुँच चुकी हूँ, मम्मी व्लॉग बना रही होगी मुझे यकीन है, वरना इतना देर नहीं लगाती। बताए तो सही कुछ। अच्छा मुझे नहीं पता, सॉरी यार। कहाँ हो? अरे तीसरे फ्लोर पे लगता आने वाली है शाहरुख। बैठ के थोड़ी देर मैंने रेस्ट नहीं किया, आधा घंटा रेस्ट किया, फ्रेश हुई, फिर वापस मैं जो निकल कर आई घर से। बाय। ओके फिर जल्दी आ जाओ। इसको मिल के कुछ नहीं बोलो। बोलो कुछ नहीं बोलो। बोलो नहीं बोलो फरिया, आ जाओ 2 मिनट का मैंने आपको मिलने। 3 टररररा। यू कैन नॉट इमेजिन व्हाट आई एम वेयरिंग। वाओ ये स्किन सो जवान एंड फरे ना कड़ी। तो यहाँ पर ये लोग इसको बिस्किट खिला रहे हैं। मुझे एक नैना कर कैसे रहा है? लड़की है। ओए इतने नहीं दे, हाथ में नहीं दे, नीचे फेंक नीचे। और लाऊं? एक सेकंड भाई, एक मिनट उसको ये खाने दो, बाद में और ले आना। ये भी बहुत ज्यादा भूखा है। ये लो। नैना ये तुम्हारे पास क्यों आया भागता हुआ? नहीं, हाथ नहीं लगाओ, छोड़ो छोड़ो नैना, नहीं करो। तो नैना बहुत ज्यादा ख्याल रखती है, और ये दूर से वहां से भागता हुआ आया नैना को देखता हुआ। हमको बोला अपने इसके बच्चे हैं, ये लड़की है। अच्छा लड़की है ये, सारी भूखी है। इसके बेबीज हैं छोटे-छोटे। इसको जब तक काटेगा नहीं ना इसको आराम नहीं आएगा। हाँ मैंने तोते की तरह डर रहा है, शाहरुख से डर रहा था और सिर्फ मुझसे और फरे से नहीं डर रहा था, पर ये डर रहा है, हाथ से डर रहा है। इसको लोग मार, ऐसे लोगों के पास जाएगी ना तो उसको बुला के मारेंगे। बेबी है, भागता हुआ है, इसको पता लग गया कि मतलब इसको हम खाने, इनको वाइब्स आती है ना, भूख के मारे। देखो चाबी इसकी पॉकेट में, इसके लिए और भी लिए क्योंकि इसकी इसको भूख खत्म नहीं हो रही थी। जो भी खाना हमारा बच्चा करेगा हम लोग यहाँ पर आके दे जाएंगे। आ चुके हैं और ये देखें फरिया को इतनी ठंड लगी हुई है, आप देख सकते हैं जो है ये मरिया बैठी हुई है, बैठी हुई है। मम्मी क्या कर रही थी घर में? मैं सो रही थी। रुबीना अम्मी को अच्छी लगती ना बल्ले बल्ले। मैं फरिया लगा रही है अम्मी को मेहंदी, मेरा मोबाइल चाहता है सोई हुई, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है गाइस। मोर आजम ये कहते तब तक मैं सो जाती हूँ, मुझे उठा देंगे तो फिर हम लोग जाएंगे। मेहंदी जो है लग रही है, मैं बस सो नहीं जाती, मैंने कहा दिखा दूँ कैसे जो है स्टार्ट हो रहा है प्रोसीजर। हो रही है ना, दिल में पटाखे फूट रहे हैं। पटाखे
शैतानी। जो मेहंदी है वो लग चुकी है फाइनली, हैप्पी खुश खुश। एक मिनट रुको, हम लोग तो है शादियों की तैयारियों में मसरूफ है। हम लोग जाएंगे हिबा की शादी पे और करके व्लॉग में आप लोग को पूरी हिबा की शादी दिखे। तो बहुत बड़ा धमाका, क्या पता कल मैं साड़ी पहनूं या ना पहनूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। आप लोग कब से मुझे कह रहे हो ना साड़ी पहनो। साथ साथ आज का व्लॉग ये पेंट करते हो, आई होप आप लोग आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना वरना कोई जबरदस्ती नहीं। चलो एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए।